कैसे खत्म करेंगे कॉप्स? इंडिया में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? कौन से बेस्ट नॉवल हैं जो टेररिज्म से डील करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, फिल्म धूम 4 की कास्ट है शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, जैकलीन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। धूम 4 में इस बार फीमेल विलन है। एक्ट्रेस वैसे भी वायरफ के साथ पठान कर रही है, लेकिन पहले से ही 5 अदर बिग बजट की फिल्म के साथ दीपिका ने अभी भी डॉटेड लाइन पे फिल्म साइन नहीं की है। बता दे दोस्तों कि बहुत चांसेस हैं कि इस बार धूम 4 की कहानी टेररिज्म पर बेस्ड होगी। तो चलिए, टेररिज्म की बात चल रही है तो थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में क्यों मनाया जाता है और कौन से बेस्ट नॉवल हैं जो टेररिज्म से डील करते हैं। टेररिज्म सोसाइटी के उन इवेंट्स में से है जिसके लिए पूरी वर्ल्ड फाइट कर रही है। इंडिया में 21 मई को फ्रीडम और जस्टिस के नेम पे पीपल को हर्ट करने की आइडियोलॉजी से फाइट करने के लिए एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूथ का यह सोचकर ब्रेन वॉश करना कि टेररिज्म में इंडल्ज होना उनके नेशन के लिए फाइट करने के मेथड है, वह इस कॉन्सेप्ट को बर्थ देता है। इंडिया यंग माइंड्स को दूर करने के लिए और वायलेंस के रास्ते पे ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बनने के लिए एवरी ईयर एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी टेररिज्म डे 21 मई 1991 में एस्टैब्लिश के बाद फॉर्म में आया था। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की तमिलनाडु में कैंपेन के ड्यूरिंग उनका मर्डर कर दिया गया था। राजीव गांधी सुसाइड बॉम्बिंग के विक्टिम बोन थे जिसमें 14 पीपल की डेथ हो गई थी। इंसिडेंट के बाद वीपी सिंह ने राजीव गांधी की डेथ वाले डे को एंटी टेररिज्म डे घोषित कर दिया। टेररिज्म क्लियर रूप से टची सब्जेक्ट है जिसे फेस कुछ राइटर्स ही कर सकते हैं, और फिर भी यह एक इनरिस्पेक्टेबल टॉपिक है जो फैंटेसिज्म, कम्युनिटी और वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाता है। 9/11 के बाद हालांकि ऐसा लग रहा था कि हम हर दिन टेरर के साथ जी रहे थे। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स यह बुक करण महाजन के थ्रू लिखी गई है। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स टेररिज्म के आफ्टर शॉक्स का एक ब्रिलियंट स्टडी है और यह सर्वियर्स के लाइफ पे अपना डीप इम्प्रिंट और इम्पैक्ट छोड़ती है। डॉन डेलिलियो के थ्रू, माओ सेकंड के थ्रू लिखी गई है। डॉन ने अपनी बुक में राइटर और टेररिज्म के बिटवीन के कनेक्शन को बनाया। मास वेडिंग के साथ स्टार्ट करते हुए हमें ग्रेजुअली एक रिक्लूसिव नॉवल से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बैरून में टेररिज्म की वायलेंट वर्ल्ड से भटक जाते हैं बिकॉज वहाँ एक हॉस्टेज को फ्री करने का ट्राई करते हैं। द सीक्रेट एजेंट जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है। लंदन में जोसेफ कॉनरेड का प्रेसिएंट नॉवल ऑफ टेरर एंड काउंटर टेरर ग्रीनविच कॉन्जर्वेटरी की प्रपोज्ड बॉम्बिंग के अराउंड कैंडिडेट प्लान का एक वेब है। जॉन ले कैरे थ्रू लिखी गई है द लिटिल ड्रामर गर्ल। द लिटिल ड्रामर गर्ल इसराइल के इंटेलिजेंट एजेंट के कार्डे को फॉलो करता है जो बॉम्बिंग की वेव में पैलेस्टाइन टेरर की साजिश को फेल करने का ट्राई कर रहा था। धूम 4 फिल्म धूम की फोर्थ सीरीज है। 2004 की फिल्म धूम ने मोटर बाइक गैंग और पुलिस के बीच की स्टोरी को दिखाया था। 2006 में आई धूम 2 में एक कनिंग क्रिमिनल और पुलिस की स्टोरी पे बेस है। 2013 में आई धूम 3 एक सर्कस एंटरटेनर जिसने बैंक में रॉबरी की उसकी और पुलिस की स्टोरी पे बेस्ड है। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि धूम 4 भी अपनी प्रीवियस सीरीज की तरह कैट और माउस का गेम होने वाली है जिसमें पुलिस और टेररिस्ट पे यह फिल्म बेस्ड होगी। तो इसी चटपटे अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे और आपने वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड
एक्साइटेड है फिल्म धूम 4 को देखने के लिए।